हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशी शुभम रोशन्स के ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले नए नए और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स के लिए। ये वाला ब्लॉग काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो चलते हैं। वाला ब्लॉग आप लोगों को पता है कि किस चीज़ पे है, क्योंकि मैंने बहुत टाइम पहले ही पूछा था। ये है क्यू एन ए का, जो कि क्वेश्चंस मैंने इंस्टाग्राम पे किए थे कि उनके आंसर मैं आपको यूट्यूब पे मतलब नेम्स के साथ सब कुछ आंसर आपको दूंगी। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको पहले क्वेश्चन की तरफ लेके चलती हूँ। मुझे क्योंकि क्वेश्चंस भी बहुत सारे, मैं चाहती हूँ कि व्लॉग कंप्लीट हो क्वेश्चन के आंसर के साथ, ना कि फालतू बातों में। सो पहला क्वेश्चन है नैन्सी झा 76 जी का। थैंक यू, आपने मुझसे क्वेश्चन किया उसके लिए। दीदी प्लीज़, आफ्टर डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा रहा? तो एक्सपीरियंस की बात करो तो आफ्टर डिलीवरी अगर मैं अकेली होती तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ख़राब होता, जस्ट बिकॉज मेरी फैमिली मेरे साथ है। तो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। चश्मे पे ना रिंग लाइट आ रही थी, क्योंकि मेरे सास ससुर साथ में है, मेरी फैमिली मेरे साथ है, मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत सही है। अदरवाइज़ मुझे 8 घंटे की नींद भी प्रॉपर नहीं मिलती अभी तक भी। पीयू 1.5 साल की होने वाली है पर वो प्रॉपर नहीं सोती है। तो एक्सपीरियंस अगर सास ससुर नहीं होते तो बहुत ख़राब होता। फैमिली के साथ रहने का एक यही बहुत बड़ा फ़ायदा होता है और फैमिली बहुत सपोर्ट करती है। हाँ जी, चलते हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। रानू महेश्वरी जी ने दूसरा क्वेश्चन किया है, आपके देवर की शादी कब होगी, रियल वाले देवर की? तो हाँ जी, ये बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास हमेशा आते हैं कि आपके रियल वाले देवर की शादी कब होगी। तो मेरे रियल देवर जो हैं, मेरे जो देवर हैं शशांक गोलू भैया, वो शादी के लिए अभी बिल्कुल भी रेडी नहीं है। उनका ये कहना है कि अभी 5 साल में शादी नहीं करूंगा, जब मैं मुझे लगेगा कि हाँ मुझे शादी करनी चाहिए, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के लिए मैं एबल हो जाऊंगा तब मैं शादी करूंगा। सो अभी मेरा शादी करने का कोई भी मूड नहीं है। तो अभी उनकी शादी मुझे नहीं लगता कि होगी, आई डोंट नो कब होगी, जब होगी आप लोगों को पता चल जाएगा। और तुमने वेट लॉस कैसे किया, ये क्वेश्चन किया है ज्योति विष्णु सोनी ने, ज्योति विष्णु सोनी 4849, इनका ये क्वेश्चन है कि आपने वेट लूज़ कैसे किया। तो मैं आपको बता दूं कि मैं अभी वेट लूज़ की जर्नी पर हूँ, मैंने वेट लूज़ नहीं किया है अभी। वेट लॉस करने के लिए मेरे को बहुत टाइम चाहिए अभी, मैं बहुत सारी चीज़ें कर रही हूँ। पर हाँ, अगर उससे मुझे कुछ भी फ़र्क हुआ तो लिटरली मैं पूरा सुबह से लेकर शाम तक मैं जो भी रूटीन होता है वेट लूज़ के लिए, मैं जो भी कर रही हूँ, जो भी एक्सरसाइज, जो मैं ड्रिंक ले रही हूँ, जो मैं डाइट कर रही हूँ, वो मैं सारा लेकर के आऊँगी। अगर मुझे उससे मुझे लगा कि हाँ हो रहा है, असर हो रहा है और मुझे किसी को बताना चाहिए, किसी को सजेस्ट करना चाहिए, तो मैं करूँगी। अदरवाइज अगर नहीं हुआ तो बिल्कुल भी नहीं करूँगी। दीदी निशा दीपक जी का क्वेश्चन है, दीदी आपके घर पे कितने सिलेंडर है? हाँ बेटा, रात को भी पीहू को देखो आप, ये मुझे जवाब नहीं देने दे दिया। आओ मैं ही बैठो और देखो मेरे क्वेश्चन भी भुलवा दिए। हाँ जी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन है, ये है मिस उपाध्याय जी का, ऑपरेशन का एक्सपीरियंस कितना टाइम बाद रिकवर करा पेन एंड ऑल? तो 6 मंथ तो मुझे ऑलमोस्ट लगे थे और जल्दी इसलिए हो गया था, 6 मंथ भी बहुत जल्दी हो गया था, मतलब मैं बहुत जल्दी एक्टिव हो गई थी। वो इसलिए क्योंकि मैंने बेड रेस्ट बहुत अच्छे से किया था, मेरी सासू माँ ने बहुत अच्छे से करवाया था और उसके बाद मैं अपनी मम्मी के घर चली गई थी 2 महीने, वहाँ भी बहुत अच्छे से हो गया था। प्लीज़ इसको पकड़ लो, 2 महीने वहाँ भी बहुत अच्छे से मेरा बेड रेस्ट हो गया था, तो इस वजह से मैंने रिकवर 6 मंथ में कर लिया था। हाँ, ये होता है कि जैसे अपन अभी भी दिन भर रेस्ट ना करो तो ना शाम तक ये जो कमर है ना यहाँ दुखने लगती है, ऐसा लगता है कि यहाँ गैप है और मतलब कुछ है ही नहीं इस टाइप से। तो देखो जरा सब में हाहाकार, आओ 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 थोड़ा दिखो आप भी। तो इनकी तबीयत खराब है, पर मैं आपको बताऊँ कल है दशा माता की पूजा, तो मम्मी अपर लिप बना रही थी, पता तबीयत खराब है। कल वैसे ही नहा लेंगी और पूजा कर देंगी ना, टाइफाइड की पूजा करोगी ना कल? ये मुझे ऐसे ऐसे कर रही थी और मैंने बोल दिया। क्यों मेरी आ जाती है, इनको बहुत ज्यादा ग्रोथ है। मैं क्वेश्चन आंसर दे दी, सारे क्वेश्चन थे। अब जा रहे हो? ये भी पूछना है कि जिस घर में मेरी शादी हुई थी, मतलब जहाँ पे तेरे मामा छोड़ के गए थे, वो घर को दी देखना चाहेगा कौन? हाँ, अगर वो घर को ही देखना चाहेगा तो मुझे ज़रूर बताना, जहाँ पे मेरी शादी एक्चुअल में जहाँ पे हुई थी, अगर वो किसी को देखना हो तो ज़रूर बताना, मैं ज़रूर उसका व्लॉग बनाऊँगी। देखो अच्छा हुआ ये क्वेश्चन आया और आप हो। क्या है?
निशा शर्मा 9820002 इनका क्वेश्चन है, आपकी सासू माँ के बनाए ब्लाउज डिजाइन का व्लॉग शेयर करो प्लीज। तो ये व्लॉग काफी टाइम से मम्मी को बोल रही हूँ, मम्मी आपके साथ मुझे बैठ के बनाना, क्योंकि मुझे शेयर करना है कि मतलब आपका स्ट्रगल आप कैसे कैसे कर करके बनाते हो, तो वो जल्दी आएगा है ना मम्मी। मतलब मम्मी थोड़ी देर बैठने के एबल हो जाएंगे ना, अभी वो क्या है ना रेस्ट कर रही है ज्यादा से ज्यादा, तो बैठती नहीं है ज्यादा, तो अगर रहा ठीक हो जाएंगी, अभी तो कल तो नहीं लोगे ना। मैं क्या ब्लाउज ये पीहू के चक्कर में बहुत जल्दी जल्दी फटाफट काटती हूँ और फटाफट सिलना पड़ता है इसको पैक करके। हाँ आप जवाब दो ना, मैं क्वेश्चन देख रही हूँ। और जब मम्मी पता ब्लाउज कब काटती है, जब पीहू सो जाती है, क्योंकि पीहू ब्लाउज लेके बैठती हूँ फटाफट काट के रख लेती हूँ। और मेरे ब्लाउज देखे मतलब मेरे पास भी कई मैसेज आते हैं कि आंटी मेरे ब्लाउज भी सिल दो, आपकी फिटिंग बहुत अच्छी लगती है, आप कहाँ रहते हो, तो पर मैं इसके ब्लाउज ही नहीं सिल पा। कई बार ऐसा होता है कि इसके ज़्यादा ब्लाउज हो जाते हैं तो बाहर डलवाना पड़ता है, अभी 4 ब्लाउज इसने बाहर डलवाए थे, फिर वापस से अभी इकट्ठे हो गए। अब मैं ठीक हो रही हूँ, 3 ब्लाउज कल काट के रखे मैंने, अब कल से थोड़ा मैं अपने काम पे लगूंगी। मैं अभी तक नहीं करने दे रही थी इनको कि अभी आराम करो, इनफैक्ट मैंने फॉल भी नहीं लगाने दी इनको साड़ियों में। हाँ, फॉल भी नहीं लगाने दी, कुछ भी नहीं करनी, आप आराम करो, आप आराम, क्योंकि ना टाइफाइड में शरीर अंदर से कमजोर हो जाता है, हमको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं हो रहा, लेकिन जब टाइफाइड खत्म होता है उसके बाद जो कमजोरी आती है ना। अजनबी कौन हो तुम जब से तुम हैं। और हाँ, कई लोग बोलते हैं कि हम दोनों की बहुत नौटंकी रहती है, एक्चुअल प्यार नहीं है हमारा, तो जिसको भी लगता है कि हमारी नौटंकी है तो वो हमको फॉलो भी ना करें और ना ही हमारे ब्लॉग देखें और ना ही हमको मतलब ऐसे कमेंट करके क्यों फालतू अपने आप को बताते हो कि हम किस माइंड के हैं, तो ऐसे मत करा करो ना। और भैया नौटंकी होती तो खत्म ही हो जाती ना, 6 साल लग गया। अगर 100 लोग हमको पसंद करते हैं तो सिर्फ 2 लोग ऐसे मिलेंगे 100 लोगों में से जो फालतू के कमेंट करते हैं, और हम उन 2 लोगों को भी बोलेंगे कि आप ना आओ हमारे प्रोफाइल में, क्योंकि हमको गंदगी चाहिए ही नहीं। माही हिला दिए स्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमरन गोदिया जी का, दी आप कभी रिप्लाई नहीं देते हो, मेरे को आपसे मिलना है प्लीज, थैंक यू सो मच, आप मुझे इतना प्यार करते हो, जिनके मैसेजेस के मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मम्मी को पता है कि मेरा शेड्यूल कैसा हो जाता है, इनफैक्ट मैं न्यू कोलैबोरेशन के मैसेज भी एक्सेप्ट अभी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं वही कर मिलती हूँ, वही बहुत बड़ी बात रहती, पीयू इतना परेशान कर देती है, और आधे टाइम तो अगर मैं गेट बंद के अगर कुछ कर रही हूँ गेट बंद करती कैसे करती मम्मी, जो प्रमोशन वगैरह की वीडियो बनाती हूँ ना मैं, तो इसको गोदी में रख के एक से टांग लूंगी और फिर एक हाथ से मोबाइल से इसकी वीडियो बनाना पड़ती है, मुझे आज भी ऐसे ही किया था मैंने, क्योंकि ये बीच बीच में आती है, ये रहता है पीहू का। दी आपकी एज क्या है, सो मेरी एज है अभी 25 कंप्लीट होके 26 रनिंग हो गया, 98 का मेरा बर्थ है। आप कुछ लोग यहाँ पे आएंगे और बोलेंगे झूठ बोल रही है, ये तो 30 से ऊपर की लगती है। कौन 30 से ऊपर लगती है, तू है सी में। योगिता जी का ये है, योगिता जी का सवाल, आपका जो पिंक वाला लहंगा है मुझे मेरे देवर की शादी में पहनना है, दोगी कौन सा पिंक वाला लहंगा, सबसे पहले तो आप ये बता दो मुझे, और मैं रेंट पे लहंगे नहीं देती, मेरे जो भी ड्रेसेस हैं वो हम लोग या तो हमारी फैमिली में दे देते हैं, लाइक जो साड़ियाँ लग रहा है कि हाँ जो भी मतलब मम्मी को, जो मम्मी को ऐसा लगती ना कि हाँ लाइट वेट है, मम्मी दीदी इधर उधर मतलब जो भी हमारी फैमिली है सब दोनों मम्मी के उधर है ना मम्मी, पर हम लोग किसी को सेल नहीं करते, मतलब क्योंकि मेरी पहनी हुई रहती है ना तो हम लोग नहीं करते सेल, और जो लगता है कि हाँ बस प्रमोशन करके 5 मिनट पहनी थी, अगर वो कभी सेल करने की लगती तो वो कर देते, अदरवाइज नहीं करते, तो सेल तो हम बहुत कुछ बहुत कम करते हैं, और जो भी सेल करने की बात आती ना जो साड़ी को, हाँ वो मुझे पसंद आ जाती है, सीधे बोलना मुझे पसंद आती है तो मैं बोलती कि नहीं आ रही अच्छी लग रही साड़ी। वी नीमत चौहान जी का है, वेट लूज हुआ कि नहीं प्लीज शेयर करो, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, 1-2 किलो कम हुआ है तो मैं नहीं बोल सकती कि हाँ मैंने वेट लूज किया, पर हाँ जब होगा तब मैं आपको जरूर बताऊंगी। ओह इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, रोशनी ऋतिक 2002 का है, दी गोलू भैया की लव मैरिज करेंगे अरेंज मैरिज, जल्दी उनकी शादी करवाओ, ये मम्मी बताएगी लव मैरिज करेंगे अरेंज मैरिज। मैंने उससे बोला है अगर लव मैरिज करें तो लड़की मनीषा जैसी ढूंढने ना तो लव मैरिज होगी, बाकी उसकी पसंद तो बहुत घटिया है, उसकी पसंद तो हम लोग कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो तो यही बोलता है कि नहीं आप लोग आपकी पसंद से ही करना, और हम लोग यूँ बोलते हैं अगर लव मैरिज करें तो लड़की अच्छी ढूंढना जो फैमिली को लेके चले, परिवार में निप जाए, फालतू की नाटक नोटंकी नहीं।
तो मम्मी तो लव मैरिज का ही बोलती है उनको कि तू लव, क्योंकि मम्मी का मतलब है कि शादी करो तो पसंद की करो, ऐसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिटेक वर्मा जी का, दीदी आप सबसे ज्यादा प्यार अपनी लाइफ में किससे करते हो? तो ये बताना मेरे लिए नामुमकिन है क्योंकि जो भी मेरे दिल के करीब है उन सबसे मैं प्यार करती हूँ, और मेरी मम्मी मेरी ज्यादा और मम्मी मुझे बहुत समझाती है कि ऐसा मत कर मनीषा, इससे उम्मीद मत रख, इसको इतना मत कर, तू सबसे क्यों लगाव रखती, तू सबसे क्यों प्यार करती। पर मेरे को ऐसा लगता है कि अगर कोई अपना 1% दे रहा तो मैं उसको अपना 100% दूं। मैं इसको बहुत समझाती हूँ कि, और फिर ये दुखी भी होती हूँ उन रिश्तों से, जो रिश्ते ये है ना कभी जोड़ती है दिल से निभाती है ना, तो वो रिश्ते इसको फटाफट इसको बता देते हैं कि नहीं तू इस लायक नहीं है, हम तेरे रिश्ते लायक नहीं है। तो फिर भी इसको समझाती, देख मैंने कहा था ना कि ऐसा मत कर उसके साथ में, इतने ज़्यादा दिल से गहराई से मत जुड़, पर अब ये बोलती मेरी आदत है, मेरा नेचर। मम्मी 5 साल हो गए आपको देखते देखते, आप कर पाएगा? हाँ पर नहीं कर पाए, पर मैं कर दूंगी तेरे को धीरे धीरे। हाँ जी, तो मम्मी है तो चलो ये क्वेश्चन भी हम, ये जो इन्होंने क्वेश्चन तो नहीं बोल सकते, इसको ब्लेसिंग हम बोल सकते हैं। माही शर्मा 8259, दी आपकी और आपके मम्मी की जोड़ी बेस्ट है, महादेव करे आप हमेशा ऐसे ही खुश रहें दोनों। थैंक यू सो मच आपका इतनी प्यारी ब्लेसिंग के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम यही कोशिश करेंगे कि हमारी जोड़ी हमेशा ऐसी रहे, कोई भी इधर उधर का आके ख़राब ना कर पाए, अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। मम्मी बैठी और मम्मी के क्वेश्चन आ रहे हैं, पता है। ज्योति 6994 शर्मा जी का ये है क्वेश्चन, सासू माँ के साथ बॉन्डिंग कैसे अच्छी रहती है? मैं बहुत कोशिश करती हूँ अच्छी ज़्यादा टाइम तक, नहीं रहती अच्छी ज़्यादा टाइम तक। तो मैं आपको बता दूँ कि आपका अकेले करना इट्स नॉट पॉसिबल कि आप दोनों का रिश्ता वो कभी अच्छा हो पाएगा। अगर आप अपना 10% दे रहे हो तो आपकी सासू माँ को भी देना पड़ेगा, राइट? क्योंकि जब मैंने मम्मी को अपना 90% दिया था तब मम्मी ने स्टार्ट किया था कि हाँ मुझे भी करना है ना। तो ये था, मम्मी आपको बोलना पड़ेगा, अगर मैं है ना बोलूंगी ना तो ये लोग बोलेंगे जबरदस्ती बुलवा रहे हैं। नहीं सही है, पहले इसने ही करा था, मतलब अब उन चीज़ों को मैं याद भी नहीं करना चाहती जो शुरू शुरू में हुआ, पर हाँ शुरुआत इसने ही की थी, फिर मैंने इसको दिल से अपना लिया था उस दिन, फिर जब से फिर मैं इसको अलग कर ही नहीं पाई। तो ऐसा है कि, और मेन बात ये है कि हम दोनों का बिल्कुल जो स्वभाव है बिल्कुल एक जैसा है, हंसमुख मस्ती हो, हाँ। मतलब डांसिंग का शौक है मुझे भी, इसको भी वीडियो का चस्का तो मुझे नहीं था, इसने लगाया तो वो तो इतना लग गया कि इसकी बने नहीं बने पर तैयार तो नहीं बनना चाहिए। और मतलब हम दोनों को एक दूसरे की चीजें पसंद आती है, हाँ। कुछ भी करे मुझे पसंद आता है, मैं कुछ भी करूँ इनको पसंद आता है, दिन भर हमारा कैसे निकलता पता नहीं चलता। ऐसा रहता है अगर मेरे दिल में जो कुछ चल रहा है खाने पीने का या कहीं जाने का या कहीं पहनने का, तो ये समझ जाती हूँ, और इसके मन में अगर कुछ चल रहा है तो मैं समझ जाती हूँ। ये बोलती मम्मी मैं तो आपसे बोलने वाली थी और आप देखो करके ले आए, और मैं बोलती मनीषा मैं यही सोच रही थी और देख तू करने तूने कर दिया। हम लोगों का ऐसा है तो हम ये है, पर ये डिपेंड करता है आपकी सासू माँ पे भी, अगर आप कर रहे तो उनको भी करना पड़ेगा, करना पड़ेगा दोनों तरफ से, तो फिर वो माँ है सासू माँ है तो उनको थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। और ये है कि बहू की जो रहता है कि नहीं जल्दी नहीं उठ रही है, काम पूरा नहीं कर रही है, ये थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ेगा सासू माँ को, अगर क्योंकि उनके भी माँ आ रहा है ना लास्ट में, तो माँ तो इग्नोर करती है तो माँ को करना पड़ेगा। तो अगर आपकी सासू माँ को ये दिखा रहे हो तो दिखा देना, और बारे में कोई बोल रहा है कि तेरी बहू तो ऐसा नहीं करती थी ऐसा कर रही, नहीं हमारा हमारी फैमिली हमारी बहू है, हम रहना आप दोनों को साथ में, वो नहीं आएंगे रहने के लिए, बातों को ज्यादा माइंड ही नहीं करते, सुनते ही नहीं, हम तो इनकी बातों को नहीं करते। सीरियसली हम लोग तो इन लोगों की बातों को माइंड नहीं करते, तो दूसरे तो फिर बहुत दूर की बात है। पयुक्त सोलंकी 6 जी का ये मैसेज है, क्वेश्चन है दी आपकी शादी को कितने साल हो गए, प्लीज दी इस बार रिप्लाई देना, प्लीज मैं वेट करूंगा, मैं आपको बहुत लाइक करती हूँ, आई एम सो सॉरी कि आपको इतना ज्यादा वेट करना पड़ा कि मैं आपके क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाई। मैं आपको बता दूं कि मेरी शादी 2019 में हुई थी, अभी चल रहा है 2024, मेरी शादी को 5 साल कम्प्लीट हो गए हैं, 6ठा साल लग गया है, और 5 साल कैसे हो गए पता ही नहीं चला। मैं हर साल हम यही बोलते हैं इतने साल कैसे हो गए पता ही नहीं चला, मतलब अभी तक मुझे ना नया नया फील आता है कि मेरी शादी नई नई हुई है, और ये लोग मुझे कभी पुराना होने भी नहीं देते, तो ये एक प्रॉफिट है। लियाना कौर 09, दी आप हर साड़ी को इतने अच्छे से कैसे पहन लेते हो, उसका एक वीडियो बना कर दीजिए ना प्लीज। मम्मी आप बताओ मैं साड़ी पहनने का ब्लॉग कैसे बनाऊं, बना देना एक तो मेरी हेल्प करना, तो जल्दी आप देखो जैसे इन्होंने ऑन कैमरा बोला कि मेरी मदद करेगी। ऐसे बोलती कैसे बनाई मनीषा, ऐसे कैसे दिखाएगी मनीषा।
तो अब यही कुछ आइडिया निकालेंगे और मैं इसका व्लॉग बहुत जल्दी से लेकर के आऊंगी, और मुझे लग रहा है कि मैं थोड़े ही क्वेश्चन का आंसर अब दे पाऊंगी। जी माही शर्मा जी, मैं कहाँ रहती हूँ ये मैं आपको ऑन कैमरा तो नहीं बता पाऊंगी, आई एम सो सॉरी। प्रिंसी सक्सेना 2001, मैम मैं बिग फैन हूँ आपके, आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, मेरी भी फ्यूचर फैमिली को ऐसे ही नाम लेना है, प्लीज़ एक बार नाम लेना प्लीज़, मेरी भी फ्यूचर फैमिली ऐसी हो, तो हम दुआ करेंगे कि आपकी फ्यूचर की फैमिली ऐसी हो, और आप भी अपना वहाँ पे 100% देना, तो आपकी फ्यूचर की फैमिली को ऐसा होना ही पड़ेगा। बैठना अभी, जाना मत। अमित श्वेता तिवारी जी का ये मैसेज है, दी जीजू कौन सी जॉब करते हैं, आप कभी रिप्लाई नहीं करते, प्लीज़ इस बार रिप्लाई करना। तो मेरे पति सिंपल सी एक नौकरी करते हैं हुंडई कंपनी में, है ना भाई, हर्ष हुंडई, हुंडई फुंडई जो भी है उसमें करते हैं। हम तो हुंडई बोलते हैं, हम तो जो हमारा मन आएगा वो बोलेंगे। अरे तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं बोल बता रही हूँ बस। दासी यादव 304, मैम ड्राई स्किन पर क्या यूज करें, ऑयल या सीरम, मैम प्लीज बताइए, पार्लर वाली मैम प्लीज बताइए। ड्राई स्किन पे सीरम यूज करना, देखो कितनी जल्दी बता, मेरे को तो कभी नहीं बताया, मेरी तो ड्राई स्किन है। पापा की परी ने बोला दीदी आप बिना फिल्टर के वीडियो क्यों नहीं बनाती, तो पापा की परी जी आप एक बार जाके देखो मेरी बिना फिल्टर की वीडियो दिखेगी जी डियर आपको। लगाना मुझे बहुत जरूरी हो जाता है, नहीं लगाती। 1032 अनामिका जी ने दी, आपकी लव मैरिज हुई है क्या, आप दोनों बहुत प्यारे कपल हो मेरे लिए। हाँ जी मेरी लव मैरिज हुई है, पर शॉकिंग ये है कि आपको अभी तक नहीं पता था। लव मैरिज हुई है और इनकी जोड़ी बहुत ही प्यारी है, पर कई लोग ऐसे रहते हैं जिनको मतलब अच्छाई में बुराई ही ढूंढना है, मतलब कुछ आसपास के लोग ही रहते हैं जो बोलते हैं ऐसी जोड़ी है वैसी है तो ऐसा है तो वैसा है। अब उनका डायरेक्ट नाम तो नहीं लूँगी, पर जो भी सुनेगा देखेगा समझ जाएगा किसने बोला है, तो वो अपने आप को भी देख लेंगे कैसे लगते हैं कैसे नहीं लगते, जोड़ी कहाँ बच्चा कहाँ अम्मा इस टाइप की जोड़ियाँ रहती हैं, तो वो अपने आप की जोड़ी देखे फिर दूसरों को बोले। अर्चना साहू जी ने कमेंट करा है ये, दीदी आप सेकेंड बेबी कब करोगे। हाँ, आजी, आजी मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी मेरी दोनों सिस्टर आए थे, बोल के गए इसको कि देखो छोटी है पीहू अभी कर ले तो फटाफट दोनों एक साथ में बड़े हो जाएंगे, बाद में झंझट नहीं रहेगा, और बाद में करेगी तो फिर वापस ABCD गिनना पड़ेगी तेरे को, तो अब देखते हैं हम दोनों ही मेरे से ज्यादा तो ये राजी नहीं है अभी मैं तो एक छोट बातों में आ भी गई थी, बोली नहीं छोटी है वो, नहीं अभी छोटी है, और अभी हमारी फैमिली में शादी आएंगी, मतलब मेरी ननद के यहाँ पे भी रहेगी, मेरी जिठानी के यहाँ पे भी रहेगी, और मेरी सिस्टर के यहाँ पे भी रहेगी, तीनों शादियों में जाना भी जरूरी है, क्योंकि हम इन शादियों का बहुत दिन से वेट कर रहे थे, तो मैं नहीं चाहती कि एंजॉय नहीं कर पाई, सच में नहीं हो पाता। और अभी मेरी अब 3-4 दिन से तो मैं थोड़ा सा रूटीन में आई हूँ, क्या चाहते हैं यार जिंदगी जी ली, क्या बच्चों में अभी लग जाएगी। कोमल सिंह जी 710, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, सो ब्यूटीफुल दी आपकी फैमिली कितनी प्यारी, किसी की नजर ना लगे, ऐसी ब्लेसिंग्स हम पर बनाए रखना, और आपकी ब्लेसिंग्स की हमको बहुत ज्यादा जरूरत है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन मैं बता दूं आपको, मैं क्यों स्क्रॉल कर लूं, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन है वेट लॉस के, जिसका आंसर मैं दे चुकी हूं। दूसरा है आप साड़ी कैसे पहनते हो, तो मैं सच्ची बता रही हूं नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगी कि ये मुझे बिल्कुल कोई उपाय दे पाए कि मैं कैसे पहनती हूं, या मैं खुद किसी व्लॉग में देखूंगी किसी ने कैसे पहना है, तो मैं जरूर लेकर आऊंगी साड़ी पहन के दिखा सकते हैं ऐसे करके। हाँ जी सानू संदीप कुशवाहा जी का ये मैसेज है, मतलब गर्ली है सानू संदीप, आपके बच्ची को आप क्या खिलाते हो, मेरे बच्चे 7 मंथ का है कुछ नहीं खाता, क्या खिलाऊं, तो ये भी कुछ नहीं खाती, हम लोग बड़ी मुश्किल से इसको पता मैं कैसे खिलाती हूँ। हाँ। कई बार तो ऐसा जाता है, ऐसा होता है कि वो तुरंत उल्टी कर देती है, इसके खाने के लिए तो हम लोग बस ये है आप खिलाओ, वो उल्टी कर रहा है तो उल्टी करे, और क्या खिलाऊं से आपने पूछा, तो आप उसको रवा, मतलब 7 महीने का है ना छोटा बच्चा है मतलब, तो उसको रवा खिला सकते हो, नमकीन रवा जो मम्मी खिलाते थे, दूध बिस्किट खिला सकते हो, और सेरेलेक्स खिला सकते हो, सिर्फ इतना ही नॉर्मल हल्का जो वो जल्दी से डाइजेस्ट कर ले, दाल का पानी जो जल्दी से वो एडजस्ट कर ले, ऐसी चीज़ें वो मतलब पचा ले, उसका पेट वगैरह दर्द ना हो, ऐसे हेवी मत उसको चीज़ें खिलाना, सेरेलेक्स दाल का पानी ये सब खिला सकते हो। आशा पटेल 2000,
मिशु जी सब्जी की रेसिपी का व्लॉग बनाओ, आप पनीर की सब्जी बहुत टेस्टी बनाते हो, उसका व्लॉग जरूर। आपको कैसे पता कि मैं पनीर की सब्जी टेस्टी बनाती हूं? सारी सब्जी बहुत टेस्टी बनाती हूं। मतलब पहले ऐसा था कि मेरा था ऐसा कि मैं बहुत टेस्टी बनाती, पर अब मेरा हाथ का टेस्ट इसमें चला गया। मुझे मेरे हाथ की सब्जी अच्छी लगती है, जितनी मैं से बोलती नहीं तू ही बना तो अच्छी लगती। पर ऐसा नहीं है, भी अच्छी सब्जी अच्छी बनाती। इनको ऐसा लगता है, इनके दिमाग में बैठ गया कि मैं अच्छी नहीं बना लेकिन अच्छी बनाती। अजिया यादव 001 का है, दीदी आप अपने फेस को ग्लो के लिए क्या करती हो, बहुत सुंदर लगती हो आप, प्लीज बताओ। मम्मी मैं क्या करती हूँ जरा बता। ये कुछ भी नहीं करती, बस दिन भर खुश रहती है, और थोड़ा सा अगर कुछ कोई कुछ बोल दे तो दिन भर रोती है। मैं थोड़ा सा गुस्सा दिखा दूँ तो रोएगी, फिर उसको जाके मतलब ज्यादा देर इसका गुस्सा मैं सहन नहीं कर पाती, फिर मैं जाके सॉरी बोलती हूँ, मनाती हूँ उसको। उसका ये सब पसंद है इसको, ये बच्ची हम बोलते प्रीपियो के साथ बड़ी हो जाना फटाफट। पापा बोलते, मैंने बोला था ना अभी इसको दो साल, पापा पता जब से मैं आई हूँ जब से क्या बोल रहे, मैंने बोला था ना इसको दो साल लगे बड़े, दो साल लगेंगे बड़े होने में, पांच साल हो गए, मेरे को ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक। अभी पापा ये बोलते हैं कि इसको दो साल लगे, इसको खोलने का बोल रही, इसको मम्मी स्टिक से पकड़ो ना। विवान अंशुल जी का ये मैसेज है, विवान अंशुल 6 का, मीशु पीसीओ मुझे ये बताओ पीसीओडी का बेस्ट सॉल्यूशन वेट लूज या कोई मेडिसिन प्लीज टेल मी। मेडिसिन कभी मत लेना वेट लूज के लिए, मैं लेती थी मैंने बंद कर दी, कुछ नहीं होता जब तक आप टैबलेट लेते हो, आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं, जिस दिन टैबलेट बंद करोगे पीरियड वापस रेगुलर हो जाएंगे। पीसीओडी का बेस्ट सॉल्यूशन जो भी मैं कर रही हूँ वो है कि आप घर में रहिए, घर का खाना खाइए, एक्टिव रहिए, एक्सरसाइज करिए, और पपीता जब आपको लगे कि हाँ आपकी पीरियड डेट आने वाली है तो उसके पहले आप पपीता खाना स्टार्ट कर दो, एक्सरसाइजेस ऐसी करो अगर छत है ऊपर नीचे हो, यही मैं भी कर रही हूँ ना मम्मी, अभी गोली खाना बंद कर दीजिए, टैबलेट से कभी कुछ नहीं होगा, बाहर का खाना एकदम बंद कर दीजिए, स्टॉप एकदम बंद, बर्गर पिज्जा ये सब बंद कर दो, मैंने बंद कर दिया, मेरी फेवरेट चीजें हैं ये, इनसे वेट गेन होता है और वेट गेन के बाद हमें पीसीओडी होता है। और एक क्वेश्चन जो है जिसका मैं जवाब देना जरूरी नहीं समझ रही हूँ, हाँ जी लावजी 5 उनका है, आप इतनी सारी कपड़ों का क्या करते हो और कहाँ से कौन देता है आपको, फ्री में आते हैं क्या ये सब? मम्मी बताएंगी एकदम फ्री में आते हैं क्या? फ्री में कौन सी चीज मिलती है, क्योंकि मम्मी जब भी बोलते हैं ना मम्मी फ्री में है क्या, कोई मतलब मैं क्या, मेरे लिए कोई बोलता है ना कि फ्री में है क्या तो मैं नहीं बोलती, पर ये जरूर जवाब देती हूँ, तो आपको भी ये जवाब देंगे। मेहनत करती है वो, घर का काम निपटा के, चाहे सिर दुख रहा है चाहे तबीयत ठीक नहीं हो, पर इसको तैयार होके वो प्रमोशन करना ही पड़ता है। और जो साड़ी आती हैं इससे प्रमोशन करने से उनको बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं इसको, रिस्पॉन्स मिलता है। तो एक पेज को रिस्पॉन्स मिला तो वो दूसरे पेज को बोलता है इस तरह से, उसको साड़ियाँ वगैरह कपड़े चूड़े जो भी आते हैं, पर उसके लिए मेहनत करना पड़ती है। फ्री में क्या मिलता है बताओ? आज मैंने पूरे घर की सफाई की, ऊपर जाके बहुत सारे कपड़े भी धोए, जिसका मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि हर टाइम घर के काम का व्लॉग तो हम बना नहीं सकते, हमारे घर का काम है हमें को करना है। हमें रोज क्या घर के काम का, झाड़ू लगा रहे तो बता दो, पोछा लगा रहे तो बता दो, तो बता दो, हमारे बच्चे हमारा घर है तो हमको ही करना है, तो मैंने नहीं किया। लेकिन मैं बहुत थक गई थी, इतनी कि मैं उठ रही थी ना तो मेरे मुंह से निकल रहा था ओ, ऐसे करके मैं उठ रही थी, मतलब कमर और पैर इतने दर्द हो रहे थे, फिर भी मैं रात को 10 बजे तैयार हुई, मेरा मेकअप देख सकते हो अभी तक उतरा नहीं, और मैंने 2 कोलैबोरेशन किए, तो करना पड़ता है यार, मेहनत से ही मिलती है चीज़ें, ऐसे नहीं मिलती। सानू रोकड़े जी का है कमेंट, दी फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या करना चाहिए, खाने पीने में किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? तो सच बताऊँ तो मैंने पहली प्रेगनेंसी में खाने के लिए बहुत सुना है, बहुत डांट सुनी है, क्योंकि ना तो मुझे किसी चीज़ की क्रेविंग होती खाने के लिए, ना मैं मन से खाना खाती थी, मेरी डाइट कम हो गई थी, मेरा वेट कम हो गया था प्रेगनेंसी में, मैंने पूरी 9 महीने की प्रेगनेंसी में सिर्फ और सिर्फ 6 से 7 किलो वेट गेन किया है। जब मेरी प्रेगनेंसी मुझे कंसीव हुई थी मेरा 62 वेट था, जिस दिन मेरी डिलीवरी हुई थी उस दिन मेरा वेट 67 था। तो खाने पीने का मैं आपको सजेस्ट कर ही नहीं पाऊंगी, ये मुझे ज़बरदस्ती खिलाती थी, इनफैक्ट डिलीवरी के बाद भी मैंने बहुत सुना है खाने पीने के लिए। मम्मी एक बार तो कितना रोई थी ना मैं, ये गुस्से पे आ गई, ये फिक्र है वो फिक्र है, खाते नहीं बनता ऐसा वैसा भी नहीं पता चलेगा, देखो सब बाद में पता चलेगा, बहुत सारी चीज़ें बोली थी बाद में पता चलेगा बेटा। तो आज मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हो गए हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस हैं जो कि नॉर्मल है, मैंने सारे क्वेश्चंस रीड किए जिनके जवाब मुझे देने लायक लगे, सारे क्वेश्चंस के मैंने जवाब दिए हैं। अगर जिनके बच गए होंगे होपफुली इसका, अगर इसको सपोर्ट मिला मतलब मुझे लगा कि हाँ आप लोगों ने देखा है और सारी चीज़ें, तो मैं नेक्स्ट इसका सेकेंड पार्ट ज़रूर बनाऊँगी, और सेकेंड में जो बच गए हैं क्वेश्चंस मैं उनके आंसर दूँगी।
तो अगर इस ब्लॉग को प्यार मिला, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे ब्लॉग्स कोई देखना पसंद नहीं करता कि हाँ क्यू एन ए तो है इस टाइप के, लेकिन मुझे जो भी ज़रूरी सवाल लगे उनके ही मैंने जवाब दिए, तो अगर इसको सपोर्ट मिला तो नेक्स्ट मैं ज़रूर इसका सेकंड पार्ट बना के सारे जो भी क्वेश्चंस बचे हैं मैं उनके आंसर दूंगी। तो और वैसे पीहू हमको देने नहीं दे रही है अब आंसर, मम्मी तो पूरी दिख भी अब पीहू भट्ट भट्ट कर रही है, तो इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, इस ब्लॉग को करें यहीं पर एंड। Bye, good night. Bye. Good night. जल्दी करो, जल्दी कर दो, उम्मा कर दो, उम्मा एच कर दो, क्योंकि ना एक बार और क्यू एन ए रखा था तो उसमें मैंने ठीक से जवाब नहीं देते शायद, इसलिए वो ब्लॉग आप लोगों ने नहीं मतलब बोला कि दीदी ठीक से आपने नहीं जवाब दिया, अपने क्वेश्चंस छाट के नहीं रखे थे, बट इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैंने क्वेश्चंस भी अच्छे से छाट के रखे हुए थे और सारी चीज़ें। सो अगर आप लोगों को पसंद आया तो नेक्स्ट पार्ट इसका मैं ज़रूर बनाऊंगी, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।